बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। इस बयान में दिलीप घोष ने कहा है कि सीबीआई के कुछ अधिकारी बिक गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन कुछ अधिकारियों की तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ सेटिंग है। अब पहले एक बात समझ लेते हैं कि सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और दिलीप घोष ने सीबीआई के कुछ अफसरों पर सवाल उठाकर क्या गृह मंत्रालय पर सवाल उठाया है। ये सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का इस मामले पर कहना है कि अपनी टिप्पणियों से दिलीप घोष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कमतर कर रहे हैं, जिनके तहत सीबीआई काम करती है। दिलीप घोष के इस बयान पर हंगामा इसलिए मच गया है क्योंकि बीजेपी नेता बंगाल में सीबीआई की अलग अलग जांच पर कमेंट करने से बचते रहे हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि इन जांच का आदेश तो कोर्ट की तरफ से दिया गया था, बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जाहिर है घोष के नए बयान से पार्टी डिफेंस मोड में आ गई है। आपको बता दें कि दिलीप घोष 21 अगस्त को कोलकाता में थे। यहाँ वो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने अपना ये बयान दिया। इस बयान के साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि सीबीआई अधिकारियों और टीएमसी की इसी सेटिंग की वजह से वित्त मंत्रालय ने सीबीआई को न भेजकर ईडी को कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए पश्चिम बंगाल भेजा है। दिलीप घोष ने कहा कि कॉल स्कैम, मवेशियों की तस्करी का मामला और स्कूल भर्तियों में गड़बड़ी के मामलों की सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकल कर आ रहा था, इसलिए वहां ईडी को भेजा गया है। फिलहाल इस मामले से बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब देखना होगा कि टीएमसी इस मामले को और भुनाएगी या फिर मामला यहीं दब जाएगा।